हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फास्ट फाइव सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एनिमल किंगडम में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो इसमें 11 फाइला बनाए गए हैं। पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक के 11 फाइला हैं और अलग अलग फाइलम में अलग अलग तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एनिमल किंगडम को हम फोर डिफरेंट लेवल्स में, फोर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी में समरी में अलग लिखा है, टेबल में अलग लिखा है और मेन टेस्ट में अलग लिखा हुआ है, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। तो इस कन्फ्यूजन को यहाँ पर आज हम क्लियर करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम में चार तरह के होते हैं। सबसे पहला जो लेवल हमारे पास है दैट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बॉडी सेल के द्वारा बनी है और इसका एग्जांपल हो जाएगा फाइलम नंबर 1 दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का और इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरे लेवल की बात करते हैं। दूसरा जो लेवल हमारे पास है दैट इज नेम्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सेल से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाया जाता है दो फाइला में। एक है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जो कि है फाइलम नंबर 2 और तीसरा यहाँ पर है फाइलम टीनोफोरा। ये एनिमल किंगडम का तीसरा फाइलम है, फाइलम नंबर 3। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की अगर बात करें तो इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तीसरा जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है दैट इज नेम्ड एज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो प्लेटी हेलमेन, जिन्हें कॉमनली फ्लैट वर्म के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटी हेलमेन जो कि आपका है फाइलम नंबर 4, इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और फिर चौथा जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज नेम्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाइलम नंबर 5 से लेकर फाइलम नंबर 11 तक प्रेजेंट होता है। अब फाइलम 5 की अगर हम बात करें तो ये है एस्केहेलमेन, जिसे निमेट हेलमिंथ या निमेटोडा भी कहा जाता है, एस्केहेलमेंस। और एस्केहेलमेंस से लेके फाइलम 11 है कॉर्डेटा, यहाँ तक के सभी मेंबर में पाया जाता है। अगर मैं नाम बताऊँ तो फाइलम 5 एस्केहेलमेंथ हो जाएगा, फाइलम 6 एनिलिडा होगा, फाइलम 7 आर्थ्रोपोडा होगा, फाइलम 8 मोलस्का होगा, फाइलम 9 इकाइंडरमेटा होगा, फाइलम 10 हेमीकॉर्डेटा होगा और फाइलम 11 कॉर्डेटा होगा। तो इन सभी मेंबर में एस्केहेलमेंस से लेके कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यानी यहाँ पर और जो अलग अलग लेवल्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में इन्हें बताया गया लेकिन प्लेटी हेलमिंथ और एस्केहेलमेंथ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर जैसा तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीके को आप यूज़ करेंगे, आप कोई दूसरा तरीका यूज़ नहीं करेंगे। तो चारों लेवल को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की है सेलुलर लेवल के बारे में। सेलुलर लेवल पाया जाता है पोरीफेरा। दूसरा लेवल है टिश्यू लेवल जो पाया जाता है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर। तीसरा जो लेवल मैंने आपको बताया ऑर्गन लेवल, ये पाया जाता है प्लेटी हेलमेंथ में। और जो चौथा लेवल आपको बताएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये एस्केहेलमेंस से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में पाया जाता है। तो ये हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। अगर फास्ट फाइव सीरीज में किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो कमेंट मुझे ज़रूर बताएंगे। और अगली वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।